शत्रु संपत्ति की संबंध में अधिवक्ता मोहम्मद इमरान खान के नेतृत्व में जिलाधिकारी कानपुर नगर को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि पूर्व जिलाधिकारी अभिरक्षक शत्रु संपत्ति संरक्षक बीएस भुल्लर द्वारा शाहिद अली पुत्र बशीर की संपत्ति के संबंध में उनकी नौकरानी श्रीमती कैसर जहां उसके मित्र शफीउल्लाह गाजी द्वारा फर्जी व झूठे प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय रूप से पारित आदेश दिनांक 18/5/2001 को रिकॉल करके निरस्त कर दिया गया था, जिसके संबंध में 18 मई 2001 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ द्वारा गुलाम मोइनुद्दीन आदि बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश आदि में 26 अगस्त 2004 को स्टे करके स्थगित कर दिया गया। उपरोक्त शाहिद अलीम की मिल्कियत वादी संपत्ति व शासन द्वारा कब्जा प्राप्त करने की कार्रवाई को पुनः 18 जुलाई 2005 को स्टे करके स्थगित कर दिया गया। इसके बाबत पीटी 21 सितंबर 2001 को कब्जा प्राप्ति संख्या के संबंध में नोटिस जारी किया गया। इस संबंध में ज्ञापन देने वालों का कहना है कि स्थगन आदेश को मानते हुए उस पर शासन द्वारा कार्रवाई की जाए, अन्यथा की स्थिति में प्रार्थी गण कंटेम्प्ट की कार्रवाई करने का कदम उठाएंगे। ज्ञापन देने वालों में अधिवक्ता मोहम्मद इमरान खान, गुलरेज अहमद, तौशीफ अहमद प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। यह है एक तमाम एविडेंस हमने दाखिल किए हैं हाईकोर्ट में भी और माननीय महोदय को भी 2018 में भी अवगत कराया था कि एस एम बशीर और शाहिद अलीम हिंदुस्तान के नागरिक रहे, उनका पासपोर्ट भी इंडियन है और यहाँ पे उन्होंने इनकम टैक्स भी जमा किया है बतौर इंडियन, किस बिना पे इन्होंने उनको पाकिस्तानी नागरिक घोषित कर दिया है। कोई एम्बेसी का सर्टिफिकेट है सिटीजनशिप का यहाँ पर नागरिकता उन्होंने जो त्यागी है जी बशीर स्टेट में दलीलपुरवा में जितनी 12 प्रॉपर्टियाँ हैं, जबकि 12 प्रॉपर्टियाँ सारी स्टे हैं हाई कोर्ट में रिट के माध्यम से, वो सारे पेपर इनको हमने दे दिए हैं, स्टे ऑर्डर भी है, अब तक स्टे चला रहा है वही पेपर है। उसके आपको आश्वासन क्या मिला? अभी आज तो डीएम साहब मिले नहीं, कल हम डीएम साहब के पास गए थे ज्ञापन देने, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम वकील साहब हम इसमें जो है हम हाईकोर्ट के ऑर्डर को मानेंगे, मगर मानेंगे तो ये ऑर्डर जो इन्होंने जारी किया है तो इसको मानने से क्या, नहीं पिछली बार इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम मान रहे हैं ठीक मान रहे हैं, तो उस पर कोई ऑर्डर किया नहीं कि वो ये प्रोसीडिंग है इस प्रॉपर्टी से लेके या शाहिद हलीम की प्रॉपर्टी से लेके, तो उसको हम कार्रवाई को रोक दे रहे हैं जब तक हाईकोर्ट में पेंडिंग है।